हेलो गाइस, आज का मैच जो है गुजरात और दिल्ली के बीच में है और इस वक्त जो है गुजरात ने जो है मैच जो है चार विकेट पे 36 रन बना लिए। गुजरात ने तेवतिया खेल रहे हैं 4 रन पर, अभिनव खेल रहे हैं 0 रन पर। अभी जो है विकेट जो है कितने ही रन अभी जो है वो चल रहा है। हेलो गाइस, नाइट राइडर, बेंगलोर किस्म, टाइल्स, रॉयल्स, इंडियंस, ये सारे खिलाड़ी जो है अभी खेल चुके हैं। अब गुजरात और दिल्ली के बीच में मुकाबला है। अब देखते हैं कि जो है गुजरात और दिल्ली अपना स्कोर कितना कितना खड़ा कर पाती है। गुजरात का कितने विकेट पे जो है अभी जो है वो चल रहा है। हेलो, अब बैलिंग शुरू और गुजरात दिल्ली ने बॉलिंग करके जो है 1 रन बनाया। गुजरात ने 4 विकेट हो गए 37 रन। बहुत लूजिंग। हमें तो लग रहा है कि ये जो है 50-60 रन बना के ही ऑल आउट हो जाएगी मैच जो है। कोई इसका जो है हमें नहीं लग रहा है कि चैलेंज दे पाएंगे। इस वक्त जो है मैच तो एकदम 4 विकेट पर 36 रन बन रहे हैं। और ये पुराना रिप्ले दिखा रहे, कोलकाता नाइट राइडर्स 7 विकेट पे जीता है और ये पुराने मैच की समरी दिखा रही है। इस वजह जो है अब कोहली पुराने मैच में जो है दिखा रहे 83 रन, 59 रन, ये सब है। अब फिर से जो है नए प्लेयर गुजरात दिल्ली की बॉलिंग आ रही है और गुजरात के सामने गुजरात ने जो है फील्डिंग किया, वो बैटिंग की, जिसमें 37 रन, कोई रन नहीं, 6.4 ओवर में 37 रन, 4 विकेट, बेकार, कोई खास नहीं। 5 रन पे खेल रहे, 4 गेंद खोकर तेवतिया खेल रहे, अभिनव खेल रहे 0, 7 गेंद खेल के 0 रन पे 0 रन बनाया। अभी कोई मतलब नहीं, हमें लग रहा है कि स्कोर जो है 50-60 रन के अंदर ही सारी ख़त्म हो जाएगी और बहुत आसानी से जो है दिल्ली जो है 5-6 ओवर में ही जीत सकती है। तो कोई मुकाबला नहीं लग रहा है दिल्ली इसके सामने गुजरात का। अगली गेंद दिल्ली की गुजरात के सामने, गुजरात ने जो खेला है वो एक रन भी नहीं बन पाएंगी। 6.5 रन में 5 गेंद पर जो है 37 रन बनाए हैं। अब ये देखते हैं कि गुजरात का मुकाबला किस तरह से जो है जीतने की वो करेगी। पहली बैटिंग गुजरात की है। दिल्ली जो है अभी जो है फील्डिंग कर रही है बहुत आसान तरीके से। हमें लग रहा है दिल्ली जो है जीत जाएगी। हमें फिर जो है अब तैयार 37 रन बनाकर और तेवतिया खेल रहे 5 रन पे, अभिनव खेल रहे 0। और फिर अगली गेंद जो है दिल्ली की गुजरात के सामने खड़े हैं और खेल दिया 1 रन के लिए और 1 रन बड़े आसानी से बना लेंगे और हो गए 38 रन। 39 रन बना लिया, वेरी गुड, 2 रन 7 ओवर में, 2 रन 5 और 7 का रन वो है। अब देखते हैं अगला जो है गेंद रिप्ले आ रहा है। इस वक्त जो है स्टॉप करना है। हाँ भाई, अब 39 रन बन गए हैं 4 विकेट खोकर और 7 ओवर में, और बहुत लूजिंग है बैटिंग गुजरात की। 4 तेवतिया खेल रहे 5 रन पर और अभिनव खेल रहे 2 रन पे। बहुत कोई खास रन तो हमें नहीं लग रहा है कि ये बना पाएंगे। ये 100 रन के अंदर ही जो है निपट जाएंगे। और अगली गेंद और यह खेल दिया है 1 रन के लिए और ये फील्डिंग कोई नहीं है। 1 रन बना के ये 40 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है 7.1 ओवर में। तेवतिया 6 रन पे पहुंचे, अभिनव 2 रन पर। अब फिर अगली गेंद तैयार हो गए हैं खेलने के लिए। कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग करके जो है बहुत कम रन पर जो है इन्होंने जो है मैच अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप पहली गेंद और ये मार दिया है 1 रन के लिए और 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। 41 रन पहुंच गई 7.2 ओवर में,
तेवतिया 6 रन बना के खेल रहे हैं 5 गेंद के बाद, अभिनव खेल रहे हैं 3 रन पे। और फिर अगली गेंद जो है बहुत आसानी बहुत अगली गेंद अभी खेल रहे हैं, रिप्ले चल रहा है, अब अगली गेंद मार दिया, लग रहा है ये रिप्ले दिखा रहे, कोई रन नहीं, 41 रन पे 4 विकेट पे जो है 41 रन बनाया है। और अगली गेंद जो है मार दिया है, ये पुराना रिप्ले दिखा रहे कोहली का, 83 रन पे कोई मैच था वो, उस पर रिप्ले दिखा रहे हैं KKR, और अभी तो रिप्ले दिखा रहे 42 रन हो गए हैं 7.3 ओवर 4 विकेट खोकर, तेवतिया दिल्ली और गुजरात के बीच का मैच है, और फिर आसानी से 1 रन के लिए खेल दिया है और हो गए हैं 43 रन, 43 रन, तेवतिया 7 रन पे पहुंच गए और अभिनव 4 रन पर। अभी ये देखते हैं कि मुकाबला कहाँ से ये जो है 250 रन 200 रन पार कर पा, कोई आसान ये नहीं लग रहा है कि जो जीत पाएंगे, क्योंकि स्कोर जो है बहुत अभी बहुत कम है, अब इनको जो है बहुत तेज़ खेलना होगा, और ये जब तक तेज़ नहीं खेलेंगे, कोई है छक्का चौका से नहीं बात करेंगे, तब तक ये जो है स्कोर जो है अच्छा खड़ा नहीं कर पाएंगे, बाकी इनके पास 4 विकेट भी खो दिए, अब ये 5वीं गेंद खेल लिए बाकी कोई रन नहीं, और फिर जो है अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं, पीछे लौट गए रन लेने के चक्कर में, और फिर जो है अपने स्थान पे पहुंच गए, और फिर जो है अगला मैच अगला गेंद के लिए तैयार, 7.5 ओवर तेवतिया 7 रन पे, 7 गेंद 7 रन पे, अगली गेंद इन्होंने खेल लिया, विकेट कोई नहीं, अभी खेले है बाकी वो लग रहा है एम्पायर का इशारा हो गया रन आउट का, देखते हैं रन आउट हुए कि नहीं, तेवतिया 7 रन पर, अभिनव खेल रहे 4 रन पे, 4 विकेट खो के 43 रन बना चुके हैं, और मिड विकेट का चक्कर में जो है रिप्ले अभी आया हुआ है, इस वक्त जो है देखते हैं कि जो है ये मैच कहाँ स्कोर खड़ा कर पाती है, एक नहीं अच्छे स्कोर में आओगे स्टार्ट तो नहीं है, हाँ अभी जो है रिप्ले दिखा रहा है, इसमें जो है लेग बाई का एम्पायर ने जो है वही देखते हैं बचे कि नहीं बचे, एम्पायर का इशारा है इसमें, और चेक हो रही है गेंद की जो है ये गेंद जो है कि नहीं है, फिर भी दे है आउट तो नहीं हुए, हमें नहीं लग रहा आउट हुए हैं, बच गए हैं, एम्पायर का डिसीजन अभी बाकी है, और जो है अभी एम्पायर का डिसीजन बाकी है, देखता हूँ कि एम्पायर का क्या फैसला है, डिसीजन पेंडिंग नॉट आउट का डिसीजन है, और फिर अगली गेंद तैयार, गुजरात खेल रही है ना, गुजरात तैयार, और दिल्ली की बॉलिंग ये फिर इन्होंने एक भी रन नहीं बना पाए रहे, बड़ी अच्छी गेंद है तेवतिया की, और इस वक्त जो है 43 रन बना के 4 विकेट पे 43 रन बनाए, और कोई अच्छा खासा कोई स्कोर नहीं हमें लग रहा, ये 8 ओवर 1 गेंद, अब 8 ओवर 4 रन, अब जो है 4 रन लगाए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया, 4 रन, 47 रन हो गया स्कोर 8.2 ओवर में गुजरात का, दिल्ली फिर भी जो है अभी इनको 6-4 से अभी और अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि ओवर अभी इनके पास जो है 12 ओवर के लमसम है, और 12 ओवर में हमें ख्याल से अगर ठीक से खेलेंगे तो ये 150-200 रन बना भी सकते हैं आराम से, ये अब जो है फिर अगली गेंद गुजरात के लिए, और फिर अब देखते हैं कोई रन नहीं, आउट नहीं है, ये दिखा रहा रिप्ले का पुराने वाला, इससे कोई फायदा नहीं, अब देखते हैं क्या एम्पायर का फिर डिसीजन पेंडिंग आ गया है, अभी देखते हैं क्या रिव्यू दिखाता है इसमें, पुराना है कि नया ही है, अभी नया, अच्छा नया है, रन आउट का इशारा, रन आउट कर रहे क्या बोलते हैं LBW का इशारा हो रहा है, नहीं कौन सा विकेट, हाँ विकेट का लगी है कि नहीं ये दिखा रहा है इसका, अभी हाँ आउट हो गया, आउट लग रहा, आउट नहीं है, आउट बच गया, अंदर आ गया लेग, हाँ अभी देखते हैं एम्पायर का क्या डिसीजन होता है, बहुत अच्छा, बहुत बच गया है इसको, हमें लग रहा है एम्पायर अभी जो है पेंडिंग में है,
बचा है नहीं, हमें नहीं लग रहा बचा है, ये आउट तो लग रहा है मुझे दूसरे तब से, दूसरे साइड से, हो सकता है बच भी गया हो, देखते हैं। डिसीजन पेंडिंग है और कंप्यूटर के द्वारा जो है काफ़ी जूम करके देखा जा रहा है, हैं आउट का डिसीजन हो रहा, आउट आउट, पांचवा विकेट गिर गया है गुजरात का। अब ये स्कोर 47 पे, पांच विकेट खो के जो है 47 रन 8.3 ओवर में। अब जो है अभी